मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, आज हम आपकी 9th क्लास में कृतिका में चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है माटी वाली और जिसके लेखक का नाम है विद्यासागर नोटियाल। लेखक ने ये बात शहर के उस थप्पड़ में मोहल्ले में रहने वाली एक औरत की है, जो माटी बेचने का काम करती है। वो अपने सिर पर मिट्टी को रखकर घर घर बेचने जाती है। मिट्टी से भरा एक कंटर माटी वाली। टेहरी शहर में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जो उस माटी वाली को नहीं जानता होगा, या वो माटी वाली किसी घर को नहीं जानती होगी। चाहे वो लोग वहाँ बरसों से रह रहे हों या कोई किराएदार हो, बच्चा है, बूढ़े हैं, किसी भी उम्र के हैं, वो सब उस माटी वाली को अच्छी तरह जानते हैं। टेहरी शहर के एक घरों में चूल्हे का जलना मुश्किल हो जाए अगर वो मिट्टी वाली अपने कंटर से मिट्टी घर घर ना पहुंचाए। वह ना रह रहे रसोई में लोगों का भोजन बने और ना ही चूल्हा चौके की लिपाई का काम हो। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज़ की एक समस्या। घर में साफ सफाई, लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। हर काम के लिए मिट्टी उन्हें चाहिए थी, चाहे वो घरों की लिपाई के लिए हो, चूल्हे चौके के लिए हो, सफाई के लिए हो। मिट्टी उन घरों के लिए बहुत आवश्यक थी। तो वो औरत अपने सिर पर भार ढोकर मिट्टी का घर घर मिट्टी पहुंचाया करती थी। तो शहरी वासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, उसके कंटर की आवाज़ को भी अच्छी तरह पहचानते थे। रद्दी कपड़े को मोड़ कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी वो भरा कनस्तर अपने सिर पर रखती थी और उस कनस्तर के जो ऊपर ढक्कन लगा हुआ होता था उसको वो उतार देती थी, जिससे मिट्टी भरने में और उसे निकालने में आसानी होती थी। तो उसके कंटर को ज़मीन पर रखते रखते सामने के एक घर से 9-10 साल की एक छोटी सी लड़की भागती हुई आई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने कहा, मेरी माँ आपको बुला रही है। तो उसने कहा, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी को उसके आंगन में उड़ेल देने को कह दिया। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है। हमारे घर भाग्यवान ही आते हैं खाने के वक्त, वो औरत उस मिट्टी वाली को ऐसे बोल रही है। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लाई। रोटियां लाकर उसने उसे दे दी और दोबारा रसोई में चाय बनाने चली गई। माटी वाली के पास अच्छे और बुरे सोचने का कुछ भी समय नहीं था। उसने एक रोटी अपने पास एक कपड़ा था उसमें लपेट ली और दूसरी रोटी को उसने अपने हाथ में रख लिया और रोटी खाने का इशारा करने लगी, मुंह को हिलाने लगी। तो जैसे ही वो रसोई से चाय लेकर आई तो उसे एक पीतल के गिलास में चाय दी, तो वो दूसरी रोटी को चाय के साथ कहने लगी, खाने लगी। वो कहती है कि साग सब्जी नहीं है तो चाय से ही रोटी को खा लो। तो अब उसने एक रोटी किसके लिए रखी? उसका बूढ़ा बीमार पति जो घर पर रहता था, कोई काम नहीं कर सकता था, वो रोटियां इकट्ठी करती थी। एक हो दो हो, माटी के बदले उसे जो रोटी मिलती थी उसमें से कुछ खुद खाती थी और कुछ बचाकर अपने पति के लिए ले जाती थी। पीतल के गिलास को देखकर वो कहने लगी कि आजकल तो ऐसे बर्तन दिखाई ही नहीं देते, शहरों में क्या गाँव में भी देखने को नहीं मिलते। तो वो महिला कहती है कि ये हमारे बुजुर्गों की निशानियाँ हैं, हम इसे क्यों बेचें? खरीदने वाले तो बहुत आते हैं लेकिन मेरा मन नहीं मानता कि पता नहीं उन्होंने कैसे पैसे थोड़े थोड़े जोड़कर इन बर्तनों को बनाया होगा और हम इसे पैसे के बदले बेच दें। मैं इनको नहीं बेचती, मैं इन बर्तनों का इस्तेमाल अपनी रसोई में करती हूँ। तो ये सब बातें वो कर रही थी तो माटी वाली के पास अगले घर ने भी माटी लाने के लिए कह दिया। तो उसने कहा कि मैं कल आऊँगी और माटी लेकर आऊँगी। उसके बदले उन्होंने उसे पहले ही 2 रोटियाँ दे दी। तो अब उसका घर पास नहीं था, वो सुबह निकलती थी और शाम को अपने घर जाकर पहुंचती थी। आज उसके पास 3-4 रोटियां हो गई और वो मन में सोच रही है कि एक प्याज को भूनकर बूढ़े को दे दूंगी और बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। वो वैसे ही 1-1.5 रोटी खाता है, इससे ज़्यादा वो रोटी नहीं खा सकता। ये सब बातें वो अपने मन में सोच रही थी। सोचते सोचते जब वो घर पहुँची तो पहले बूढ़ा उसे देखते ही रसोई की तैयारी की आस लगा कर रखता था कि बुढ़िया आएगी और मेरी रसोई बनाएगी। लेकिन जब वो घर पहुँचती है तो उसका बूढ़ा बिल्कुल भी उसका पति हिलता डुलता नहीं है। वह पास जाकर देखती है तो
वो अपनी माटी को छोड़ चुका था, यानी कि उसका पति मर चुका था। टिहरी बांध पुरनावास के साहब ने उससे पूछा कि कहाँ रहती हो, तो उसने कहा कि मेरे पास कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है, मैं सिर्फ माटी बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। उसने पूछा माटी कहाँ से लाती हो, उसने कहा माटी खाने से। तो उसने कहा माटी खाने पर तेरा नाम चढ़ा है, उसने कहा नहीं साहब, मैं तो रोजी रोटी अपनी मिट्टी बेच कर ही कमाती हूँ। बुढ़िया हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, तेरी रोजी रोटी का नहीं। बांध बनाने के बाद मैं क्या खाऊँगी साहब, तो वो कहते हैं इस बात का फैसला तुम स्वयं करो कि तुमने क्या खाना है क्या नहीं। टिहरी बांध की दो सुरंगों को बंद कर दिया गया, शहर में पानी भरने लगा, शहर में अफरा तफरी मच गई, सभी लोग इधर से उधर भाग रहे थे, सभी अपना घर छोड़कर भागने लगे पानी भरने के डर से। माटी वाली अपनी झोपड़ी में बैठकर गांव में आने जाने वालों को एक ही बात कह रही थी कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, क्योंकि उसकी जो झोपड़ी थी वो भी छिन जा रही थी, और जो उसका माटी बेचकर कमाई का साधन था वो अपना गुजारा करती थी, वो भी कहीं ना कहीं उससे वो लोग छीन रहे थे। इसलिए उसने कहा कि गरीब आदमी का तो शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। ये लेसन आपका है बेटा, इसके क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं, राइट और लर्न दोनों ही करने हैं। धन्यवाद।